नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इसमें दिल्ली के 18 जनपद पर मौजूद। और जैसा कि हमने कल की कवरेज में भी आशंका जताई थी, बहुत बड़ी भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। और जैसा हमारे चैनल पर हमने पोल डाला था, हमने डाला था दुष्यंत गुट और अभय गुट, उसमें 91% दुष्यंत गुट को समर्थन मिल रहा था। और जो जनसभा यहाँ पर आज पैरोल पर जैसे अजय चौटाला आए हैं, तो एक जनसभा जनसैलाब में और रैली में तब्दील होती हुई नजर आई, हमारी पूरी की पूरी आपने कवरेज में भी नजर आएगी। इसमें दिग्विजय चौटाला हमारे साथ मौजूद है, जिनके बारे में बीच बीच में ये भी बातें आती रही हैं, कहीं ना कहीं जो इस सारा जो प्रकरण हुआ है, इन पर जैसे आरोप प्रत्यारोप भी लगे, सब किया धरा इनका है। तो दिग्विजय खुद इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे बारी बारी हम सवालों का जवाब लेते हैं। सर, बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अजय सिंह जी ने बड़ी मेहनत करी है इस पार्टी के लिए, और केवल प्रदेश में नहीं बल्कि अनेकों प्रांतों में जाकर के एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। और उन्होंने किस प्रकार चौधरी देवीलाल जी के दिखाए हुए रास्ते पे वो चले और लोगों ने कितना उसे एक्सेप्ट किया, उसका ये नज़ारा था आज की भीड़। तो आपने कहा बच्चों को माँ से अलग नहीं किया जा सकता, अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो बात हो रही थी, संभव है जी। विकट विपरीत परिस्थितियों में भी जो है ना, हम कभी कभी देखते हैं कि हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों, माँ अपने बच्चे के लिए और बच्चा अपनी माँ के लिए, ये जो बंधन है, ये जो जुड़ाव है, इसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। तो नैना चौटाला जी ने भी अपने भाषण में कई बार कहा, जहाँ दुष्यंत वहाँ हम, और फिर बात बात में उनकी बात में, उनके भाषण में ये भी चीज़ें नज़र आ रही थी, हमें मैं अपने भगवान से अपने बच्चों की सुरक्षा की भी कामना करती हूँ। क्या कोई इस तरह की भी आपको आशंका नज़र आती, कहीं ना कहीं आप खतरा महसूस करते हैं? राजनीतिक तौर पर जब हमें सुधाई या हमने राजनीतिक जिम्मेवारियों को संभाला, तो हमें सदैव ये बताया गया था कि ये पार्टी तुम्हारी माँ के समान है। और आज मेरी मदर को जिन हालातों में राजनीति में आना पड़ा, वो किसी से छुपा नहीं है। वो पॉलिटिकल लेडी नहीं है, उन्होंने जो बात कही वो दिल से कही। और एक माँ तो अपने बच्चों के लिए जो है ना आशीष, प्रेम, प्यार, उनका आशीर्वाद उनके लिए रखती है। तो निश्चित तौर पर जैसे पार्टी हमारी माँ है, जिसे पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, दुष्यंत जी जैसे नेताओं को बढ़ते हुए देखना चाहती है, वैसे हमारी माँ भी अपने बच्चों के लिए उन्हें गुड विशेज और ब्लेसिंग्स देना चाहती है। हमने कल भी कवरेज में बताया था, जैसे बहुत से चैनल ये दिखा रहे थे कहीं ना कहीं पार्टी का ऐलान होगा, लेकिन हमने अपनी कवरेज में बताया था पार्टी का ऐलान नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं इनेलो पर दावा ठोका जाएगा। और जो आज यहाँ से बातें निकल करके आ रही हैं, वही बातें कहीं ना कहीं मैच हो रही हैं। क्या आपको लगता है ये जो पार्टी पर दावा ठोकने की, ये मैथमेटिकल ढंग से आप यदि टेक्निकल पॉइंट की बात करें, तो क्या दावा, किस प्रकार से दावा ठोका जाए? पार्टी पर ठोकने की आवश्यकता तो तब पड़े जब ऐसी नौबत आए, ऐसे आज आवश्यकता ही नहीं है। पार्टी को दावा ठोकने की बात थोड़ी है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कोई बात कह रहे हैं, उस पार्टी पे दावा ठोकने की कोई बात ही नहीं। सर, जो 7 अक्टूबर को रैली हुई, हमने सभी दिग्गजों से पूछा पार्टी में कोई फूट है या नहीं है, करण चौटाला जी की तरफ से हालांकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे बातचीत में, लेकिन सभी की तरफ से ये आ रहा था कि कोई फूट नहीं है, इसको छिपाया होगा, क्या कारण रहे, छिपाया गया इसको कई दिनों तक? मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि कोई फूट नहीं जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। हमने तो पार्टी पे कब्जा करने का कौन लोग हैं? आपको समय आने पे सारी बातें, जैसे जैसे समय आएगा, उन बातों पे अजय सिंह जी अब क्योंकि बाहर हैं, वो सारी बातों पे जिक्र करेंगे। तो 17 तारीख को जींद के अंदर एक जनसभा करने जा रहे हैं आप लोग, क्या बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, कुछ सीक्रेट खोलेंगे आप? नहीं, वो इसलिए मीटिंग बुलाई है क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। कोई ये कह रहा है कि मैंने इनको पार्टी से निकाल दिया, कोई ये कह रहा है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये कांग्रेस के पेड एजेंट हैं, किसी को ये कहने का अधिकार थोड़ी है। अरे, हमने तो कभी कांग्रेसी के घर में जाके चाय पी के भी नहीं देखी, हमने तो ये भी नहीं देखा भाई कांग्रेस पार्टी का दफ्तर कहाँ है। हम तो भूपेंद्र हुड्डा से या अमित शाह से भी कभी नहीं मिले, हम कांग्रेसी कहाँ से हो गए? ये आज जो हज़ारों लोग यहाँ आए हुए थे, इनने कभी ये कभी किसी कांग्रेसी के पास नहीं गए, किसी एमएलए के पास नहीं गए, एमपी के पास नहीं गए, हमने कोई साजिश नहीं रची। तो हमें कांग्रेसी कह दिया गया, तो हमारी जो अंतरात्मा को उससे ठेस पहुंची, हमें अंदर इस बात की पीड़ा हुई। आज अजय सिंह जी ने ये कहा कि मैं तुम्हारे राव में जो
कांटे लोगों ने बिछाए हैं, मैं उन्हें अपनी पलकों से उठाने का काम करूंगा, मैं तुम्हारे पैरों में उन कांटों का दर्द नहीं होने दूंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक सकारात्मक सोच, उन्हें कहा कि कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, मगर जो तुम्हारे पैरों में कांटे चुभाना चाहते हैं मैं अपनी पलकों से उन कांटों को उठा लूँगा। इससे अच्छी बात और इससे पॉजिटिव बात क्या हो सकती है? दिग्विजय जी, 80 के दशक में जो सुनहरियो कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल के आगे खड़ा हुई थी, जो चुनौती वही वही दोहराया गया। ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने भी वो प्रकरण रहा, तो वो निर्णय कर पाने देवीलाल जी ने कहा था, हम संख्या की तरफ, अजय सिंह जी ने कहा था कि मैं चौटाला साहब की हर बात को मानता हूँ और उनकी ही बार बार कही हुई एक बात है कि हक जब मांगने से ना मिले तो हक छीने जाया करते हैं। अगर कुछ लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे और आपके हक अधिकार की बात को उसको जो है ना साइडलाइन दरकिनार करने का काम करेंगे तो फिर तो आपको पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो क्या उन्हीं के दिखाए, उन्हीं की कई भी बात, हम चौटाला साहब की कई भी बात पर अमल कर रहे हैं, आप ये मानकर चलें। तो क्या इनेलो सुप्रीम पर कोई दबाव भी रहा जिस प्रकार से उनके फैसला लिया ही नहीं, उन पर दबाव क्या रहा? 3 अक्टूबर की जो मीटिंग हुई गुड़गांव के अंदर, वहाँ पर उन्होंने अभय चौटाला की प्रशंसा की और दुष्यंत के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया, वहीं से शुरुआत भी माना जा रहा है, इनसो का जो स्थापना दिवस है वहाँ से भी शुरुआत माना जा रहा है। प्रशंसा तो वही तो लोगों ने, अब वहाँ पर 3, 5, 7 तारीख को आकर लाखों लोगों ने अगर दुष्यंत के नारे लगाए तो दुष्यंत की प्रशंसा की ना जी। तो अजय सिंह जी ने कहा कि किसी एक के कहने से कुछ नहीं होगा, कलेक्टिवली पार्टी चलेगी, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टी, हर आदमी का पार्टी में से होना चाहिए। तो अब ये फूट सुलट में आएगी या फिर नई पार्टी का ऐलान होगा या पार्टी पर आप लोग रहेंगे या सुप्रीमो बदल जाएगा? मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने ये कहा कि मैंने आंकलन किया था कि लोग ये कह रहे हैं कि नई पार्टी की फॉर्मेशन नहीं होगी, आपने ही अभी कहा जी। फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि नई पार्टी बनेगी जब आप ही कह रहे हैं और आप तो ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, दिल्ली में बैठ के चंडीगढ़ में बैठ के पत्रकारिता नहीं करते, आपको सारी बात का ज्ञान है, फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? तो क्या होगा 17 तारीख को, क्या मतलब संभावना लग रही है? 17 तारीख को इस इनेलो को, जिस इनेलो के लिए समर्पण भाव से लाखों लोगों ने तन मन से सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसको जिन लोगों ने ट्रैक से डी ट्रैक करने का काम किया उसको अजय सिंह जी ट्रैक पे चढ़ा के जाएंगे। कार्यकर्ताओं को पार्टी का पिलर माना जाता रहा है और कार्यकर्ताओं की इस समय की जो आवाज़ है दुष्यंत के बारे में, जैसे भावी सीएम के या फिर जहां दुष्यंत वहां, सब बातें बाद की हैं कि सीएम कौन बनेगा। आज तो पार्टी ट्रैक पे नहीं है, जो लोग ये बार बार पार्टी से मैं इसको निकाल दूंगा, मैं उसको निकाल दूंगा और मैं जो है ना ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज उस डी ट्रैक हुई भी पार्टी को ट्रैक पे लाने की बात है। चलिए, जिनसे जो कृष्ण मिड्डा की बात करें वो भाजपा में चले गए सर, इस बात की बड़ी पीड़ा है कि मिड्डा साहब ने जिस पार्टी के खिलाफ मोदी की लहर में इतनी बड़ी जीत प्राप्त की और चौटाला साहब की नीतियों का अनुसरण किया, उनके पुत्र ने ऐसा फैसला लिया, किस मजबूरी में लिया, क्या कारण रहे, वो एक नेक इंसान है कृष्ण जी। तो इनेलो पे फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं, उस पर इनेलो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर मिड्डा भी इनेलो की टिकट पे जीत करके आए थे जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17 तारीख को जींद को ही क्यों चुना? जींद चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है और जब जब कोई विकट विपदा आपदा आई है जींद के लोगों ने इस पार्टी को संभाला है, जींद के लोगों ने अपनाया है, अपना माना है और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हुए इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मैं तो सदैव इस बात को कहता आया हूँ, बड़े मंचों से भी कहता हूँ जहाँ मुझे अवसर मिला, कि इनेलो एक शरीर है तो उसके दिल की धड़कन अगर है तो वो जींद जिला है। आपकी सक्रिय राजनीति में आने की भी आशंकाएं नजर आ रही हैं, क्या करेंगे आप? अब इससे ज़्यादा तो और कैसे आऊँगा। चलिए, तो दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़े, इन्होंने साफ तौर पर कहा कहीं ना कहीं जो पार्टी को नुकसान करने वाले, जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है और कहीं ना कहीं उन लोगों को पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा जो पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी का इस समय जो टूटन पड़ी है, जो परिवार में फूट आई है उसकी इस समय सर्जरी चल रही है और उसको कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर जो फूट पड़ी है उसको संगवाने का काम किया जा रहा है। और जो अजय सिंह चौटाला जैसे ही पैरोल से यहाँ पर आए तो बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा, हमने अपनी तस्वीरों में आपको दिखा,
सरकार दिग्विजय चौटाला का साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो फूट डालने जो वाले जो लोग हैं उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा, हमें पार्टी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। 17 तारीख को जींद में बहुत से टॉप सीक्रेट खुलेंगे, बहुत से जो अभय चौटाला के राइट हैंड माने जाते थे वो भी दिग्गज हमारी यहाँ तस्वीरों में आपको नजर आए, बहुत से लोग यहाँ पर जमे। एक किस्म से ये कहा जा सकता है ये जो जनसभा थी ये एक रैली में तब्दील हुई, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक चाणक्य हैं जो राजनीतिक पंडित हैं उनका ये कहना है जहाँ पर जो संख्या बल होती है, क्योंकि मत वोट की राजनीति है लोकतंत्र के अंदर देखा जाता है, जहाँ पर संख्या बल होता है वहीं जहाँ जन बल होता है वहीं पर जीत की आशंकाएं भी बढ़ती नजर आएंगी। अब देखना जनता को है परिवार की जो फूट है उसका वो फायदा उठाते हैं या फिर कहीं ना कहीं परिवार की जो ये पार्टी है इन्हें लोग ये समय रहते इन समस्याओं से निजात पा करके ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक किस्म से एक प्लस पॉइंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी की बहुत बड़ी ब्रांडिंग भी इसको माना जा रहा है और भी बहुत सी कयास लगाए जा रहे हैं। समय समय पर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पल पल की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली के 18 जनपद से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य है।